हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो ये जान लें आपको यहाँ पे मिलने वाला है UPSI का प्रैक्टिस सेट, BSI का प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और उनसे संबंधित अच्छी से अच्छी PDF और आगामी एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं आपको सारी जानकारी और उनसे संबंधित PDF भी दी जाएगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं UPSI एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हुए थे, तो क्या वो 5 दिसंबर से भी नहीं होंगे? तो हाँ, ऐसी आशा जताई जा सकती है। अब 50-50 चांस ही रह गया है क्योंकि अगर ऐसी कोई सूचना होती तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी होती, लेकिन अभी नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम होने की कम संभावना है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर जो ऑफिशियल साइट पे बदलाव हैं वो अंतिम 15 से 20 दिनों में भी किए जा सकते हैं, तो ये बात हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर 15 नवंबर या 20 नवंबर के आसपास कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट नहीं होता है वेबसाइट पर, तब हम लोग ये एकदम आसानी से कह सकते हैं हाँ, आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 से 25 दिसंबर के बीच नहीं होगा। लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। तो हम लोग इतना मान सकते हैं कि 50-50 चांस है एग्ज़ाम होने के और ना होने के, यानी 50% चांस है एग्ज़ाम होगा और 50% चांस है एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन 15 से 20 नवंबर के बाद 100% कंफर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। और दूसरी बात, जो लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको हम ये बता दें, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है UPSI का, तो उस पर लगभग 3 से 4 हज़ार लोग ऐड हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर UPSI की तैयारी करना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ग्रुप अलग अलग हैं, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करिए और ख़ुद को ऐड करा सकते हैं हमारे UPSI ग्रुप में। ग्रुप बहुत ही अच्छा है, तो आपके पास चांस है, ऐड हो जाइए।